वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है, कहीं गरबा डांडिया तो कहीं ढोल नगाड़ों से देवी का स्वागत हो रहा है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूप में उनके एक हाथ में जपकी माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से संयम, तप, त्याग, ज्ञान इत्यादि की वृद्धि होती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती है। आइए जानते हैं कौन है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी का यह रूप बिल्कुल सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर में पुत्री के रूप में हुआ था। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक देवी ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। वही कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। वही 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्ण बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब यह सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही माता को शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। देवी ब्रह्मचारिणी का यह रूप बिल्कुल सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाला है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के दौरान पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को कमल और अड़हुल का फूल बहुत प्रिय होता है। ऐसे में अगर संभव हो तो ये फूल माता को जरूर अर्पित करें। इस दिन माता को सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करें। पूजा के दौरान माता के सामने घी का दिया जलाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है इन चीजों का भोग लगाने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।